भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं और यह बात यूं ही नहीं कही गई है। पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं जिनसे यह मालूम होता है कि शिव क्रोध में आते हैं तो किस तरह से देवताओं पर भी प्रहार करने से नहीं चूकते। भगवान शिव के क्रोध की पहली घटना उस समय देखने को मिलती है जब ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोला कि उन्होंने शिवलिंग का आदि अंत जान लिया है। क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया जिसने झूठ बोला था। इसके बाद से पंचमुखी ब्रह्मा चार मुखों वाले रह गए। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष का सिर उस समय भगवान शिव के अंश से उत्पन्न वीरभद्र ने काटा था जब देवी सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। कारण यह था कि दक्ष ने भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी सती का अपमान किया था, क्योंकि देवी सती ने दक्ष के रोकने पर भी शिव से विवाह किया था। क्रोध में भगवान शिव किसी की परवाह नहीं करते। यह बात इससे साबित होती है कि जब उनके पुत्र गणेश जी ने माता पार्वती से मिलने से मना कर दिया तो शिव जी गणेश जी से भी युद्ध करने लगे और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट डाला। तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुनमाली यह तीनों त्रिपुरासुर कहलाते हैं। त्रिपुरासुर के आतंक का अंत करने के लिए महादेव ने धनुष बाण का प्रयोग किया था। शिव जी ने एक त्रिपुरासुर यानी तीनों असुरों का सिर एक साथ काटकर उनका अंत किया और त्रिपुरारी कहलाए। देवी लक्ष्मी का भाई जलंधर नामक असुर देवताओं को सताने लगा। उसकी बुरी नज़र देव पत्नियों एवं देवी पार्वती पर पड़ी। इससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु और शिव ने एक चाल चली और शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।